नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। सबको गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोहित, पूजा और बाकी सारे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, सबको गुड इवनिंग। बच्चों गुड इवनिंग। ये जो चैप्टर है, मान के चलिए केमिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जा सकता है, माना जा सकता है बोला, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं। अब जाना चाहिए भी, इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है तो इस चैप्टर को आप कह सकते हो कि सबसे सुपर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ये सबके बारे में पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन आज मैं केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में और नीट और जेई के एग्जामिनेशन में। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो समझ लो कितना फायदेमंद है। बच्चों ये बताओ यार कि आप लोग पढ़ाई पे कितना हाजी। अभी संदीप आया हुआ है, संदीप सबको बेटा आपको आशीर्वाद है, आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। सारे बच्चों को आशीर्वाद भी है और कहूंगा कि आप तरक्की करेंगे बहुत अगर आज से पढ़ाई शुरू कर देते हो। तो कितने बच्चों का स्कूल चालू हो गया है ये जरूर बताएं। और आज मैं पढ़ाऊंगा रासायनिक बंध, तो वो क्या है इसके बारे में बात करूंगा। चलिए एक बात बताओ, छोटी सी बात है कि भाई आप देखते हो Cl2 लिखते हैं आप, NaCl लिखते हैं आप, CO2 लिखते हैं आप, C2H6 लिखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे यौगिकों का फॉर्मूला होता है, बहुत सारे यौगिकों का सूत्र ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये आपस में, यहां पर आप देखो Cl2 लिखे हो तो दो Cl आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक Cl गोलाकार, दूसरा Cl गोलाकार, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसे जुड़ा हुआ है, इसी जोड़ को, ये जुड़े क्यों हैं? Cl2 क्यों है? Br2 क्यों है? O2 क्यों है? N2 क्यों है? P4 क्यों है? और ये कैसे हो सकता है? और अगर ये है तो इनके बीच ऐसा क्या चीज है कि दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं? इन्हीं आकर्षण को, इन्हीं जोड़ को क्या कहते हैं हम लोग? बंद कहते हैं, रासायनिक बंद कहते हैं। सबको गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा, चलो पढ़ाई में आ जाओ आज। और हां, पढ़ाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और आज कहेंगे इस बात को सीखेंगे। तो कितने बच्चे रासायनिक बंद के बारे में जानते हैं जरूर बताएं, और क्या जानते हैं ये भी बताएं। फिलहाल हम आज चालू करते हैं आज की क्लास। क्यों, तैयार हैं आप लोग? बोलिए हां कि ना, जल्दी तैयार हैं? ओके, चलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा सबसे पहले रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, ये क्या चीज है? रासायनिक आबंध भी कहते हैं। क्या इसे डिफाइन किया जा सकता है, इसके परिभाषित की जा सकती है? कह सकते हैं किसी यौगिक में या किसी यौगिक के अणु में, या अणु में कह सकते हो उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या कह सकते हैं? अणु में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। कॉपी में लिखो जरूर, क्योंकि लिखोगे तो याद रहेगा। आकर्षण बल, इसी आकर्षण बल को ही हम कहते हैं, आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। अब इसमें बात याद रखना, चाहे अणु में बोलो चाहे यौगिक में बोलो, ठीक है? तो आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। किस में होता है जरा देखिए, जैसे NaCl में देखने को मिलता है, Cl2 किसी भी यौगिक में आपको देखने को मिलेगा। इन सब में आपको एक कैल्शियम के साथ दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए, एक सोडियम एक क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन जुड़े हुए, ये सब रासायनिक बंध यहां पर देखने को मिलेगा। इन सारे
यौगिकों में मिलेगा, लेकिन रासायनिक बंध के प्रकारों को जानना जरूरी है। कितने बच्चे जानते हैं कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान। चलिए देखिए, रासायनिक बंध के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, चलो बोलो, और इनको हम एक एक करके पूरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बता सकते हैं कोई रासायनिक बंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलिए बोलिए, बोलिए जल्दी से, कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई? पहला है आयनिक बंध। आप बोलोगे ना, अच्छा लगेगा, कोई भी क्लास में पढ़े हो, चाहे आप नाइन्थ में पढ़े हो, टेंथ में पढ़े हो, इलेवंथ में, ट्वेल्थ में, जो भी पढ़े हो, यहां पर कौन कौन क्लास के बच्चे हैं वो जरूर बताएं मुझे, बहुत अच्छा रहेगा। तीन प्रकार के मुख्य रासायनिक बंध होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का मुख्य, वैसे और भी प्रकार होते हैं, पर तीन ही प्रकार के रासायनिक बंधों को हम जानेंगे पहले। आयनिक बंध, दूसरा कौन सा कहलाता है? सह संयोजी बंध। तीसरा क्या होता है? यह कहलाता है उप सह संयोजी बंध, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लें, सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इन सारे बंधों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे यहां पर आयनिक बंध से। पहला सवाल यह आता है कि परमाणु में आपस में जुड़ते क्यों हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। परमाणुओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तत्वों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद यह काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसा होगा जी? बहुत बढ़िया, आप जिस भी क्लास में है बेटा, अगर आपने ट्वेल्थ में हो और इलेवंथ में इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो ठीक से, तो जरूर पढ़ लो एक बार, बहुत काम आएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग हार जो मानते हैं ना ट्वेल्थ में, सिर्फ इन्हीं चीजों को नहीं जानने की वजह से मानते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं रासायनिक बंध क्या होंगे, बोलो। रासायनिक बंध का क्या मतलब होता है? परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। बोलो क्या होता है? परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, रासायनिक बंध क्लियर हो गया। अब रासायनिक बंध कितने प्रकार का आप देखेंगे? तीन प्रकार का। कौन कौन सा प्रकार का? आयनिक बंध, ससंयोजी बंध और उपससंयोजी बंध। ये तीन प्रकार के बंध होंगे आपके पास। तीनों प्रकार के बंधों को आप ध्यान से देखिए। चलो बात करते हैं। पहली बात है आयनिक बंध, ससंयोजी बंध और उपससंयोजी बंध। ये एक शॉर्ट में दो तीन पॉइंट्स को आप नोट कर लें तो आपके फायदे हो जाएंगे। कोई बता सकेगा कि आयनिक बंध में क्या होता है? रासायनिक बंध, देखो रासायनिक बंध हो, कोई भी रासायनिक बंध हो, सब में इलेक्ट्रॉन का खेल रहता है। तो शॉर्ट में दो तीन लाइनें आप लिख लीजिएगा, वो हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप नोट करिए बस। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहां पर तीसरे में है इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी, इन सारी चीजों को नोट करो। मैं एक एक चीजों को आपको बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले वाली चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक एक करके क्लास में आपको समझाते जाऊंगा। बस देखते जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे सीखने को मिलेगा। चलिए भाई, कोई बच्चा आप यह बता सकता है कि कल कैसे को भेज देना? हम दे देंगे। अरे अच्छा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखें, रासायनिक बंध में हम पहले पढ़ेंगे आयनिक बंध। एक बात है, बंध क्यों बनता है, कारण के बारे में बात करते हैं, नोट कर लो। बंध बनाने का कारण, इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण होता है अष्टक पूर्ण करना, यानी परमाणु क्या करेगा, बस इस चीज को नोट करें, कोई परमाणु बंध क्यों बनाता है? आप देखते हो अक्रिय गैसें कोई बंध नहीं बनाती हैं,
हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन कोई बंध नहीं बनाती है, ठीक है। जो आखिरी कोश में होता है ना, शून्य ऊर्जा, शून्य समूह में या 18वें समूह में जो तत्व होते हैं जिसको अक्रिय गैसें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन कोई भी बंध नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है? कारण क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण रहता है। तो यही एक छोटी सी बात, अष्टक का मतलब क्या होता है? किसी परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना। चल मैं यहां पर बात करता हूं, एक ही बात है, परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनाती है। ये छोटा सा प्रश्न है कि भाई परमाणु में बंध क्यों नहीं बनाती है, बंध क्यों बनाती है, आपस में परमाणु में जोड़ते क्यों, जोड़ करके उसको फायदा क्या होता है? तो परमाणुओं को आपस में जोड़ने से फायदा होता है क्या, कि वो अपना अष्टक पूर्ण करती है। क्या लिखा मैंने यहां पर, परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक का मतलब क्या होता है, देखें, अष्टक पूर्ण करना इसका क्या अर्थ होता है, देखें, अष्टक पूर्ण करने का अर्थ होता है परमाणु अपने अंतिम ऊर्जा स्तर, यानी इसको संयोजी कोश भी कहते हैं, कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायित्व ग्रहण करता है। इसको हम कहते हैं अष्टक नियम भी कह देते हैं। चलिए, अष्टक नियम मतलब परमाणु अपने अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, 8 हो जाएगा तो वो स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। अब कौन सा परमाणु स्थायी है, कौन सा परमाणु अस्थायी, उसको देखें। चलो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला मैं लिखता हूं भैया सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, बोलो, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 2 ऐसा कुछ लिखो, तो क्या होगा 2 8 1, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। चलिए, अभी इसका क्या अष्टक पूर्ण नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है तो क्या होगा, मतलब यह परमाणु कैसा है, अस्थाई है, अस्थाई है, ठीक है। अब देखो दूसरा, नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 8, तो अष्टक पूर्ण है इसका, तो मतलब यह परमाणु कैसा, स्थाई है। और जो परमाणु स्थाई है बंध, देखो अस्थाई है बंध बनाएगा, अस्थाई है बंध बनाएगा, स्थाई है बंध नहीं बनाएगा। एक छोटी सी बात है, मतलब यह कि वो क्यों बनाता है, क्योंकि वो स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। किस लिए, कैसे स्थायित्व ग्रहण करेगा, मतलब वो स्थिर हो गया, उसे किसी से बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो कैसे हो सकता है जब उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके 8 है, ये 8 करने के लिए क्या करेगा, इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर बाद। आपको ये कुछ चीजों को जानी है, जैसे थर्ड देखिए, सीएल परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 7। अब बेटा देखो, ये अष्टक पूर्ण है कि नहीं, चलो बताओ इसका अष्टक पूर्ण है कि नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, अब बताओ ये अष्टक पूर्ण है कि नहीं, स्थायी है कि अस्थायी है, बस इतना ही पता लगाना है। क्या है, क्लोरीन स्थायी है कि अस्थायी है, बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाल दिया, बस इतना ही बताना, स्थायी है कि अस्थायी, स्टेबल है नॉन स्टेबल है, क्या है, यह है अष्टक पूर्ण नहीं है। क्यों, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है तो क्या करेगा, यह अस्थायी है। अब यहां पर यह छोटी सी बात को हम जान रहे हैं कि परमाणु तभी बंध बनाता है, यानी बंध बनाता है या बंध बनाने में भाग लेता है जब उसका अष्टक पूर्ण ना हो। तो यहां पर आप देख रहे हो, सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है,
अस्थाई है, अष्टक पूर्ण नहीं है, अस्थाई है, मतलब यह बंद बनाएगा। नियॉन परमाणु क्रमांक 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2-8, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण है, स्थाई है, यानी इसे बंद बनाने की आवश्यकता नहीं है, बंद नहीं बनाएगा। ये छोटी छोटी बातों को बताना है। स्टेबल नॉन स्टेबल, ये नॉन स्टेबल स्टेबल, ये क्लोरीन, क्लोरीन कैसा है, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण नहीं है, नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। यस, तो इस तरह से हमने देखा स्टेबल अनस्टेबल, स्थाई अस्थाई क्या है पता चल जाता है। बस एक छोटी सी बात, जो अस्थाई है वही बंद बनाएगा, यह बंद बनाएगा, बंद बनाएगा, नहीं बनाएगा, बंद नहीं बनाएगा। ये छोटी छोटी बातें हमें जान लेते हैं ना तो काफी आसान हो जाता है अंदर की बातों को समझना, और यही बारों में बात करता हूं। यह क्या होगा, यह बंद बनाएगा, और कैसे बंद बनाएगा, किस टाइप का बंद होगा, वो बाद में बात करेंगे ना, अभी हर बनाने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि कारण क्या है, वो अस्थाई है इसलिए वो स्थाई होना चाहेगा, स्थाई होने के लिए क्या जरूरी है, उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना, अगर 8 है तो वो बंद नहीं बनाएगा, बस इतनी बात पता चला। इसलिए जिसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको अक्री गैस कहते हैं, नियॉन एक अक्री गैस है, यह बात क्लियर हो गया। अब चलें बंद बनाने की बातों में, अब पढ़ते हैं बेटा इन्हीं आधार पर हम पढ़ेंगे आयनिक बंद। अब तत्व के दो प्रकारों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, पहले तत्व के दो प्रकार के बारे में। चलिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु क्या करेगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का साझा, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का मिल नहीं लिखता, इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, बताओ, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है या ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बातों को समझेंगे, छोटी सी बात है, परमाणु क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या दान करेगा या साझा करेगा। अब ये कौन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन परमाणु ग्रहण करेगा, इसके बारे में बताता हूं। चलिए देखिए, परमाणु के संयोजी कोष में, अब यहां पर मैं तीन प्रकारों में चल रहा हूं, पहला प्रकार, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परमाणु तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक तो दान करने वाला, तो चलिए मैं इलेक्ट्रॉन इस प्रकार परमाणु, इस प्रकार क्या होगा, परमाणु दो प्रकार के होते हैं, परमाणु मूल रूप से दो प्रकार के, परमाणु दो प्रकार के होते हैं, तो परमाणु कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार का। पहला परमाणु होगा वो है दाता परमाणु, नोट कर सकते हैं, क्या दान करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। दाता परमाणु कैसा होता है, दाता परमाणु एक्चुअली होता क्या है, वो कैसा परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होगा, इसी को हम ये एक्चुअली नॉर्मली ये क्या होता है, धातु होता है, ये परमाणु कैसा, तो धातु होता है, दाता परमाणु कैसा, धातु है, मेटल है, मेटल है, धातु है। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष में, कोष में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन हो तो, देखिए दाता परमाणु वो है जिसके अंतिम कोष में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दाता परमाणु होते हैं। और दाता परमाणु क्या होगा, धातु है,
एक्चुअली ये तीन बातें समझ में आती है। पहली बात है जिस परमाणु के अंतिम कोश में एक दो तीन होगा वो क्या है, वो होगा धातु या दाता परमाणु। यहां पर क्लियर देखिए, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, देखें एक, तो कैसा परमाणु हुआ, ये धातु हुआ, धातु हुआ। कैसा परमाणु हुआ, दाता परमाणु हुआ। क्लियर, ये देखें, तो ये दो बात, ये एक बात समझ लें। और दूसरी बात मैं लिख देता हूं यहां पे, वो है ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं अधातु। ये क्या होगा, बाह्य कोश में, बाह्य कोश में लिख लो, बाह्य कोश में पांच छह सात, चार भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं, पर उसको आधार मत मानिए, सिंपल आधार को ले लें, एक्चुअली चार भी होगा चलेगा, लेकिन हम एक ऐसा परमाणु जो रियल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबलता रखती है, वो अंतिम कोश में पांच छह या सात इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, ये है नॉन मेटल। बस बेटा इतनी बातों को जान लोगे ना, अब आपके लिए आगे की पढ़ाई बड़े आसान होने वाले हैं। जो कठिनाई थी वो इसी जगह पे थी, क्योंकि इतनी बातों को जाना। परमाणु देखिए, रासायनिक बंध क्या होता है, परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल। कितने प्रकार का बंध, आयनिक, ससंयोजी और उपससंयोजी। बंध क्यों बनाता है, क्योंकि परमाणु क्या करना चाहता है, उस अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक पूर्ण करने का मतलब क्या हुआ, अंतिम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन रखेगा। आठ इलेक्ट्रॉन क्यों रखेगा, क्योंकि वह स्थायित्व ग्रहण करेगा। फिर बात आता है कि यहां पर आपने देखा इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है। सात है मतलब क्या हुआ, ये सात है तो कैसा परमाणु हुआ, देखो ये दात एक है, दो है, तीन है तो दाता परमाणु, सात है तो पांच छह सात है तो ग्राही परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होगा, और ग्राही परमाणु है और वैसे भी यह अधातु है। याद रखना, अक्रिय गैसें भी अधातु होता है परंतु इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता है, इस बात को अब ध्यान रखेंगे। अब हम आयनिक बंध को पढ़ेंगे। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या परमाणु के प्रकार समझ में आए, परमाणु मूल रूप से दो प्रकार का होगा, इसी में मैं आगे जाकर बताऊंगा कि भाई ग्राही परमाणु यानी इस किसके अंतिम कोश में चार पांच छह सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी करते हैं। तो साझेदारी वाली बात अभी नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास होगा आयनिक बंध के लिए, आयनिक बंध। चलो चलो अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा, आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बताइए, चलो कोई बच्चा बताएगा। मैंने एक लाइन पढ़ाया था, एक लाइन लिखा था, रासायनिक बंध में एक प्रकार का होता है बंध आयनिक बंध। आयनिक बंध कब होगा, इसको विद्युत रासायनिक बंध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक बंध भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड। क्या होता है कोई बच्चा बता सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, रासायनिक बंध कोई भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में पढ़े थे बता सकते हैं कोई, मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोग क्लास सेवन में पढ़े हो, क्लास नाइन में पढ़े हो, क्लास टेन में तो मैं नहीं कह सकता, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्लास सेवन और नाइन दोनों जगह पर पढ़े हो, और इलेवन में तो पढ़ ही रहे हो, और ट्वेल्थ वाले बच्चे जो इलेवन में पढ़े थे। यहां से स्टार्ट होता है आयनिक बंध, यस, यहां पर सबसे बड़ी चीज है आयनिक बंध। तो इसके परिभाषित कैसे करोगे बताओ, तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब जब किसी दो परमाणुओं के मध्य, जब किसी दो परमाणुओं के मध्य परिभाषा को जो मुख्य पार्ट यह है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण
या आदान प्रदान भी बोल सकते हो से बंध बनता है तो इसे आयनिक बंध कहते हैं। मैंने जो मुख्य लाइनें लिखा है वह है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मतलब यहां पर दो प्रकार के परमाणु होंगे, एक परमाणु होगा धातु और दूसरा होगा अधातु। अभी बताया था मैंने धातु क्या करता है, धातु है इलेक्ट्रॉन दाता, अधातु है इलेक्ट्रॉन ग्राही। दो प्रकार के परमाणु हुए, दाता परमाणु और ग्राही परमाणु आपस में मिलेंगे तब आयनिक बंध बनेगा, तब वो एक प्रकार का यौगिक बनाएगा। तो यहां पर कौन कौन से प्रकार को, धातु और अधातु। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दाता परमाणु के लिए मैंने बताया था कितना, एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में हो, संयोजी कोश में, बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन एक दो तीन या पांच छह या सात हो तब होगा, तब यहां पर इसी प्रकार के बंधों को बनाना सीखेंगे। कोई परमाणु के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है दो है या तीन है, चार है पांच है छह है सात है, कितना है वो बस पता लगाना होता है। तो अगर एक से तीन तक है तो वो धातु है, एकदम सिंपल समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन दाता है। अगर चार है तो वो अधातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, पांच है तो करेगा ग्रहण ही करेगा, छह है तो ग्रहण करेगा, सात है तो ग्रहण करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बंधन होगा। अब बेटा मैं इसको ए परमाणु ए से दर्शा रहा हूं धातु को, और अधातु को बी से दर्शा रहा हूं। ए इलेक्ट्रॉन दाता है तो मैं इसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला कि यहां पर दान कर रहा है, तो ए से बी में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ए पर जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा भाई उसके हिसाब से प्लस आएगा और दूसरा बन गया बी, बी पर माइनस आ जाएगा और फाइनली ए प्लस बी माइनस आपस में जुड़ा और अंत में हम लिख सकते हैं ए बी बना। पर इसको सिर्फ सिंबल में लिखा मैंने, एग्जाम्पल दे करके आगे बताऊंगा आपको, उदाहरण देकर बताऊंगा मैं आपको। कुछ एक बच्चे उदाहरण की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल उदाहरण दूंगा, आप परेशान मत होइए, सब करूंगा बेटा, अब लाइन से बस देखते जाइए। कुछ बातों को समझना जरूरी था, धातु और अधातु, धातु इलेक्ट्रॉन दाता, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही है। धातु और तो धातु क्या बना, वो धनायन बना लेता है, और अधातु क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। धन आयन, धन आवेश वाला कोई भी कण, उसे हम आयन, धन या ऋण आवेश वाला किसी भी कण को हम आयन कहते हैं, जिस पे धन या ऋण चिन्ह हो वो आयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आयन क्या होता है सर, तो वो होता है जिसमें धन या ऋण आवेश हो। अब सवाल होता है कि धन आवेश है तो धनायन, ऋण आवेश है तो ऋणायन, कैटायन एनायन, धनायन और ऋणायन तो दोनों में आवेश है ना, तो इसीलिए बोले कि आयन आयन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके जोड़ता है, इसलिए इस बंध को कहते हैं आयनिक बंध। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक धातु लेंगे और एक अधातु लेंगे, और धातु और धातु के बीच रिएक्शन करके देखेंगे कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, कौन कितना ग्रहण कर सकता है। सारे बच्चे कोशिश करना बताने की, बनाने की, ठीक है। हां जी, क्रेजी बॉय गरिमा के पीछे भाग रहा है, और आत्मिका बेटा देखो, जब तक देखो बेटा, पढ़ाई के बारे में हम ये नहीं कहेंगे पढ़ो यार पढ़ो, हम नहीं कहेंगे मत पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मत पढ़ो, पढ़ोगे फायदा आपका है, नहीं पढ़ोगे फायदा आपका है। बोले नहीं पढ़ोगे फायदा क्या, आराम मिलेगा, मजे मिलेंगे। तो मम्मी पापा से आपने मोबाइल फोन क्यों लिवाया, मैं यूट्यूब देखता हूं पापा, पढ़ाई करता हूं पापा, है ना, ये बोल के लिवाया। तो जब पढ़ाई करने के लिए आपने मोबाइल लिया तो पढ़ाई करो ना, मस्ती मजाक क्यों कर रहे हो, है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए, मजाक चाहिए, मस्ती चाहिए। तो बेटा एक बात है, ये सब चीजें फिल्में देख करके भी मिल जाता है, टीवी देख के भी मिल जाता है, दोस्तों से गप्पे लड़ा करके मिल जाता है, लेकिन वो बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है ना, वो बच्चा ही सक्सेस हो रहा है। और सक्सेस ऐसी चीज है जिसके पीछे एक ही बात कहा जाता है कि जो पढ़ता है मेहनत करता है उसे मिलता है। हम हमेशा याद रखना, आज के लिए ही नहीं जीते हैं, कल के लिए भी जीना रहता है,
कल के लिए भी हम सोचना रहता है, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए। फिलहाल अभी बात कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बेटा धातु कौन है जिसके अंतिम कोश में 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन हो, अधातु कौन है जिसके अंतिम कोश में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो। सीधी सी बात करूंगा, लेकिन जो काम की चीज है 5, 6, 7। अब बात करेंगे धातु और अधातु। चलो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण पहला, एक मैंने धातु ले लिया सोडियम और दूसरा ले लिया मैंने अधातु में क्लोरीन, और अगर आवर्त सारणी में अगर बात करो बेटा, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व हैं, तो आपको बता दूं यहां पर सिंप नहीं यार, इसमें मत फंसो अभी फिलहाल, आवर्त सारणी जिसको याद है तो ठीक है, जिसको याद नहीं उसको लोग क्या कर लेंगे हम, तो क्या है, कैसे मस्ती कर रहे क्योंकि बच्चा क्या मस्ती कर रहा है। हाँ जी चलिए साहब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सोडियम और क्लोरीन। अब बताओ सोडियम और क्लोरीन के बीच में किस प्रकार का बंध होगा, पता लगाने का एक तरीका बताता हूं। क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे जिसमें मैंने दो तत्व दिया है और वो किस प्रकार का बंध बनाता है? तो पहली बातें सुनिएगा, यहां पे मैंने लिया सोडियम, दूसरा लिया मैंने क्लोरीन, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक पता लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो तो पता चल जाएगा क्या हालचाल है इसके। सोडियम इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 1, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। दो तरह से बताऊंगा, पहले आपको इस तरह समझाता हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मान लें, दूसरा इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक बिंदु लगाया मैंने, इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ ये अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा था आपको अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, दान करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन दाता है, कितना दान करेगा, जितने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी दाता परमाणु होता है उतने अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना दान कर देता है, तो ये कितना दान करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दाता। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहेगा तो क्या बनेगा, कोई परमाणु के बारे में जानते होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसमें धन आवेश आता है, हमेशा याद रखना जितना दान करेगा उतना धन आवेश आएगा। तो सोडियम के अंतिम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला था, ये वाला बिंदु के रूप में लिखे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, किसको दान कर दिया, इसको दान कर दिया भाई जो लेने आ रहा है, ये ग्राही परमाणु है, अंतिम कोश में 7 है, 5, 6, 7, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब कितना ग्रहण करेगा अलग बात है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में, तो 1 इलेक्ट्रॉन दाता है, दान कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसमें धन आवेश आता है, तो इसमें 1 धन आवेश आ गया प्लस। अब क्या बचा, बोलो क्या बचा, बच गया ये क्लोरीन के बारे में बात सोचते हैं, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 भैया, इसके बारे में बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो क्या फायदा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8, अंतिम कोश में 8 हो गया, बाहर का ऊर्जा स्तर निकल गया, बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये निकल गया, तो बचा क्या, अंतिम कोश में 8 ही बचा, तो इस तरह से इसका अष्टक पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, यही कहानी है, तो इसके भी अष्टक पूर्ण हो गए। अब सोचने वाली बात है कि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 है, वो भी 8 पूरा करना चाहेगा, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 5, 6, 7 है, तो याद रखना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और कितना ग्रहण करेगा जिससे कि वो 8 हो जाए, 7 है तो 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस चीज पॉइंट्स को लिख रहा हूं, ये दोनों लाइन को, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिया यहां से, इलेक्ट्रॉन लेने पर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया
दो आठ और ये सात वाला भी आठ हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। इस तरह से सोडियम Na प्लस है और क्लोरीन Cl माइनस है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो दोनों को, नहीं चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो। हम इसको और भी तरह से लिख सकते हैं या लिख सकते हैं NaCl। तो यह है पहला एग्जाम्पल जो आयनिक बंध को दर्शाता है, यह पहला एग्जाम्पल जो आयनिक बंध को दर्शाता है। कितने बच्चे हैं जो इस तरह के बंध बना सकते हैं, अब बताएंगे थोड़ी सी बात। अब आप इसको फिगर वाइज बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं बेटा, देखो तो नाभिक में धन 11 प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन है, देखो आठ इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम ऊर्जा स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चला ये कौन है, सोडियम है, Na है। दूसरी बात, इसमें नाभिक में 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करके तो धन आवेश 17 है, दो इलेक्ट्रॉन पहला ऊर्जा स्तर में, दूसरे ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन ये लीजिए, और अंतिम ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या हो गया, ये Cl था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया सोडियम जो है ये प्लस 11 तो है ही, दो इलेक्ट्रॉन हो गया और इस जगह पर 8 हो गया, ये यानी कि ये Na प्लस हो गया। और दूसरी बात है Cl के बारे में क्या बात करते हैं, Cl माइनस हो जाएगा क्योंकि Cl पर अब कितना है, बोलो धन 17 नाभिक और दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बोलो 8 हो गया ना, और एक और ऊर्जा स्तर आ गया वो भी 8 हो गया, इस तरह से ये बन गया Cl माइनस। तो एक तरह से एक दूसरे को ये धन विद्युत और ये ऋण विद्युत एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे को आकर्षित कर लेती है, ये घटना यहां पर होता है। चलिए बोलो, अब मैं एक और बताता हूं उसमें आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए ये बताइएगा, दूसरा वर्क दे रहा हूं मैं, क्लास वर्क है, बताना कि एक सोडियम और दे दूं आपको ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, इसके मिलने पर कोई बंध बनाएगा क्या और किस तरह का यौगिक बनेगा ये मुझे बताओगे। चलो कितने बच्चों को क्लियर हुआ है जल्दी बताएंगे बच्चों जल्दी से, और कौन कौन बच्चा है जो रेगुलर आ रहा है, और किन बच्चों को चाहिए भाई 11th और 12th की पढ़ाई, क्योंकि 11th जरूरी है 12th के लिए, यह बात हमेशा याद रखना। अगर 11th छोड़ दिए, 11th पे ध्यान नहीं दिए तो आपका 12th बिगड़ जाएगा। जो बच्चा 12th का है उनको मैं पूछना चाहूंगा, एक पोल तो करो यार रतन कि कौन कौन बच्चा 11th का है और कौन कौन बच्चा 12th का है, देखना चाहते हैं। ये एक छोटा सा प्रश्न मैंने दिया है, सोडियम और ऑक्सीजन क्या कुछ बनाएगा, किस प्रकार का बंध बनाएगा, किस तरह से वो जुड़ेंगे, एक कितना सोडियम और कितना क्लोरीन जुड़, कितना सोडियम और कितना ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ये आप बताएंगे। चलो जल्दी करो, हाँ आप लोग, हाँ नीट या जेई का एस्पिरेंट है, 11th वाले हैं या 12th वाले हैं, नीट वाले हैं या अदर हैं, चलो बताओ जल्दी से। एक पोल दे रहा हूं, उस पोल को पूरा करिए और यह बना के दिखाइए। तो आयनिक बंध को हम कई तरह से दर्शाएंगे, फिलहाल हमने अभी पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे 12th वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चे, और अधिकांश बच्चे 12th वाले ही हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। हाँ जल्दी से पोल करो बच्चों, जल्दी से पोल करो ताकि मुझे पता तो चले कितने बच्चे 11th वाले हैं, कितने बच्चे 12th वाले हैं, आप कौन से क्लास में हो, यहां बताओ ना कौन से क्लास में हो आप, है ना। प्रेशा, प्रियंका, पीयूष, कार्तिक, आशीष, देखो बेटा प्रण कर लो, इस साल आपको बेहतर करके देना है, आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में तो बेटा भटकते रह जाओगे। अब जितना आप लोग कोशिश करोगे अच्छा पढ़ने का, हम उतनी ही कोशिश करेंगे आपके साथ रहने का, ठीक है। आप
हल्का फुल्का ऐसे यार काम चलाओ पढ़ाई करेंगे यार चलता रहेगा साल, कभी नहीं चलेगा बच्चों। पूरा डेडिकेटेड पढ़ाई करना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नाइन्थ टेंथ में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर काम होता है। यहाँ पर इलेवन ट्वेल्थ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ काम नहीं होता है, यहाँ पर काम होता है इलेवन ट्वेल्थ नीट वगैरह में इंपॉर्टेंट पे काम नहीं होता, यहाँ पर काम होता है आपकी समझदारी, आपके सीखने पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बेटा चलो ये बात हो गया। चलो मैंने वो वाला दिया ना आपको, तो सेकेंड वाला मैं आपको कराता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने लिया है सोडियम और ऑक्सीजन। तो सोडियम के बारे में हमको क्या पता है, चलो बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, पता चल गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2, 6, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता है, ग्राही है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या है बोलो सीधा सा अपने अब आधार इसको देख करके आप पता लगाओ कि ये क्या करेगा। अंतिम कोश में एक है मतलब दाता है, सीधी से मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दाता है, ये क्या है, छह है, पांच छह सात ग्राही है यार, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, सीधा सा जवाब है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दाता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करने पर क्या होता है, एक धन आवेश आता है। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2-8 हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। बोलो दूसरा क्या करेगा, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, सीधी सी बात है, क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्राही, दो इलेक्ट्रॉन। अब कहां से ग्रहण करेगा, कैसे करेगा, बात की बात है, डायरेक्ट पहली बात करो, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बस सीधी से बात करते हैं, फिर बाद में बात कर सोचेंगे कहां से दान होगा, एक और ये दो, दो इलेक्ट्रॉन आया, दो माइनस चार्ज आ गया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2-8 हो गया, 2-6 से 2-8 हो गया। सवाल ये हुआ, ये एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, मेरा एक दोस्त, मैं इस कहता हूं यहां पर विक्रम सर हमेशा एक ही पेन दान कर सकते हैं, सोचो मेरी बात, विक्रम सर कितना दान कर सकता है, एक ही पेन दान कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जितने भी टीचर हैं सब में एक क्षमता होती कि भाई एक ही पेन दान कर सकते, भाई एक ही पेन लेके घूमते हैं वो, पर रतन आ गया, रतन को दो पेन की आवश्यकता है, क्या करेगा रतन, और बताओ मैं क्या करूंगा, रतन आएगा सर मेरे को पेन दो, दो ठो पेन दो, मैं बोलूंगा भाई एक ले ले तू, मेरे पास एक ही है। अब दूसरी बात हो गया, रतन को दो पेन चाहिए, मैं एक, तो मेरे जैसे एक और टीचर ढूंढेगा, सर आप एक पेन दे दो मुझे, दो चार आप दे दो, एक और टीचर को जाएगा उसको बोलेगा सर आप भी एक पेन दे दो मुझे, उसके दो पेन की पूर्ति हो गई। मतलब यहां पर सीधी सी बात है, दो सोडियम लगेगा, दो सोडियम, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दूसरा सोडियम भी इसको दान कर देगा, तो इस तरह से दो सोडियम ने एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दान किया है, सीधा सा कहानी यह है। तो इस तरह से मिल गया हमारे पास Na प्लस, मेरे पास दो है तो मैं ऐसे ट्वाइस लिखूंगा, और ऑक्सीजन एक है दो माइनस करके, ये देखिएगा, और इस तरह से तो बन गया, या मैं लिख सकता हूं Na2O। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ये बात जवाब दिया था, और इसका सरल तरीका बताता हूं। देखो ये एक दाता है तो एक ऑक्सीजन लगेगा, मेरी बात सुनो, एक कितना दान करेगा, एक दान करेगा, तो मुझे ऑक्सीजन एक चाहिए, ये कितना ग्रहण करेगा, दो, तो एक, ये मुझे सोडियम दो चाहिए। मतलब देखो इसकी आवश्यकता एक की है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता है एक, ये कितनी आवश्यकता है, दो की, तो इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है, दो। बेटा संयोजकता क्या होता है, बंध बनाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की मांग की क्षमता, कितनी मांग है, देने की हो या लेने की हो, जितना वो देना चाहता है या जितना लेना चाहता है उसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेन देन की, वही उसकी संयोजकता है। तो इसकी संयोजकता एक है, इसकी संयोजकता दो है, तो हम जान ले यहां पे सोडियम की संयोजकता एक है और ऑक्सीजन की संयोजकता दो है। बिल्कुल एक काम करिए, संयोजकता को इधर लिख दो, इधर लिख दो, क्या बन गया, देखो तो सूत्र बन गया क्या, Na2O। ये है बेटा, 11th और 12th वाले बच्चे ध्यान रखें, मैं वो पोल कराए थे, दिखाओ तो मुझे, देखना ही पाया था मैं कितने कितने परसेंट था, 12th 58 बच्चे हैं, परसेंट है, मतलब 60% बच्चे 12th के हैं और 11th
17, 12 और बाकी अदर. वेरी गुड बेटा, कंटिन्यू रहो, अच्छे से पढ़ो, बहुत जरूरी है, ये काम होगा. ठीक है, अब आपको मैं दे रहा हूं यहां पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल करते हैं फिर चले बात करेंगे. तीसरा, एल्यूमिनियम है प्लस चलो ठीक है, एल्यूमिनियम है और है ऑक्सीजन, क्या इसे बना सकते हो? बोलो, क्या इन दोनों के बीच में बात कर सकते हो? बोलो. नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्या क्या लिखे हो भाई? चलिए 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 जल्दी बताएंगे. हाँ जी, वेरी गुड पंकज कुशवाहा. पंकज कुशवाहा मेरी क्लास कब से ज्वाइन कर रहे हो? एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26. बताओ इसके अंतिम कोश में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन दाता है, इसका मतलब हुआ इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता कितनी है? तीन है ना, तीन इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, अष्टक पूर्ण हो गया. एक दो तीन हुआ तो दाता ही है, मतलब धातु है भाई, सीधी सी बात, धातु मतलब धन आवेश बनाएगा, सीधा सा जवाब है. और इधर ऑक्सीजन पे कितना? छह. एक दो तीन चार पांच छह, ये क्या होगा? आठ करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्राही. मैंने बताया था कौन दान करता है कौन ग्राही करता है, जो आज की क्लास हुआ है बेटा, जिस स्टेप में मैंने आपको बताया उस स्टेप में अगर आपने पढ़ लिया, उस स्टेप में समझ लिए, तो जवाब आपके पास है, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए. तो चलें, ये इसकी भी संयोजकता पता चल गया, संयोजकता कितना पता चला? बोलो दो. क्यों? दो इलेक्ट्रॉन ग्राही है. अब अभी आपको बताया था एल्यूमिनियम की संयोजकता तीन है और ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, तो जिसकी इसकी संयोजकता अगर दो है तो हमें ये दो एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, इसकी संयोजकता तीन है एल्यूमिनियम की तो ये मुझे तीन लेना पड़ेगा. वैसे ही देखो, ये दो हो गया ये तीन हो गया तो क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा. चाहे दो तीन तरीके हैं, एक तरीके पे क्यों जाना, कई कई तरीके हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस इस बात को समझो. तो क्या बनेगा देखो, तो अब एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा? तीन. सीधी सी मतलब भैया, Al3 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो तीन प्लस आएगा, और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दो माइनस, तो एल्यूमिनियम कितना चाहिए? दो एल्यूमिनियम और तीन ऑक्सीजन. तो इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा? Al3O2 बनेगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Al+3 जो है वो मुझे दो लगेगा और O-2 जो मुझे लगेगा तीन लगेगा, ये भी लिख सकते हो. तो लिखने के तरीकों को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, हवा में कुछ नहीं हो सकता. पढ़ाई जो होती है बहुत मेहनत के साथ करना पड़ता है और उसके साथ आपको खेलना पड़ता है, जब तक खेलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं. बोलिए साहब. सर जी क्लियर है, क्रेजी बॉय लिखता है क्लियर है, ओके सर जी क्लियर है, क्रेजी बॉय ने लिखा. और क्या पूजा क्या बोल रही है? रॉकी बोल रहा है. बेटा रॉकी आपका ध्यान है कि नहीं पढ़ाई पे? चलिए साहब बात करते हैं आगे. हाँ, इसको कहेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सीधी सी बात है बेटा, नामकरण कैसे की जाती बताता हूं. ऋणात्मक जो आता है ना ऋण वाले में, उसके अंतिम कोश में आईडी लगाते हैं बस. तो क्या नाम हुआ बता दो? ये बना सोडियम, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम इसमें आईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड. ऋणात्मक में आईडी लगाते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऋण आयन पे आईडी लगाते हैं, ऋणायन के यहां मैं लिख देता हूं, मैं सफिक्स सफिक्स आईडी लगाते हैं, ये नामकरण है. तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में आईडी लगाए तो क्या ऑक्साइड हो गया? सोडियम ऑक्साइड हो गया. ये क्या चीज? ऑक्सीजन है तो ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ.
ऐसे एक जरूरी बात साथ ही साथ बता देता हूं कि आयनिक यौगिक बना है ये। आयनिक यौगिकों में कब बनता है, जब धातु अधातु आपस में क्रिया करती है तब बनता है। और एक बड़ी बात बता दूं कि भाई आयनिक यौगिकों के गुण कैसे होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको फटाफट बताता हूं, आप इसे नोट जरूर करिएगा। वैद्युत संयोजी यौगिकों में यानी कि आयनिक यौगिकों के गुण, ये गुण जो ये जो होते हैं, पहली बात है ये ठोस अवस्था में होते हैं। इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस। नमक देखियो ना, नमक कैसा होता है, क्रिस्टल होता है, ठोस होता है, तो ये ठोस क्रिस्टल होते हैं, ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। अगर आप आयनिक यौगिक देखोगे तो क्या हो, द्रव या गैस अवस्था में नहीं पाई जाती, ये ठोस और क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। दूसरी बात है कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, उच्च यानी अधिक, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। ठीक है, नमक देखो, नमक जो है कम ताप पर नहीं पिघल जाती, उसको पिघलाने उसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, और जो पिघल गई है लिक्विड फॉर्म में आ गया है उसको गैस फॉर्म में ले जाने के लिए और भी बहुत अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। मतलब ये इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है क्योंकि इनमें आयनिक बंध होता है। अब तीसरी बात, कठोरता एवं भंगुर होती है, मतलब यहां पर ये इसमें भंगुरता पाए जाने का मतलब है कि इसको अगर ठोकें क्रिस्टल को, आयनिक क्रिस्टल को अगर ठोकर लगे तो ये आसानी से बिखर से जाते हैं और छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। इसकी विलेयता के बारे में बात करूंगा, ये जल में विलेय होते हैं, जल यानी कि ध्रुवी विलायकों में, इसको ध्रुवी विलायक कहते हैं, ध्रुवी विलायक, ध्रुवी विलायकों में विलेय होते हैं, घुलते हैं, परंतु अध्रुवी विलायक में अविलेय होते हैं, यानी कि अब बोलूंगा पानी में तो घुलते हैं परंतु मिट्टी तेल पेट्रोल ईथर इन सब में ये नहीं घुलते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। फिर बात करें विद्युत चालकता, गलित अवस्था में यानी पिघला दें इसको, नमक को पिघला दें तो वो पिघले भी नमक ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होगा। तो मैं यहां पूरा लिख दूं, ठोस क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं यानी कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में, अथवा जली विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। एक और बात समझो यहां पे, ठोस चलिए ये ऐसा क्यों होते, क्योंकि ये आयनीकृत हो जाते हैं, क्योंकि जब इसको पिघलाया जाते हैं NaCl है, NaCl को जब जल में घोलेंगे या गर्म करेंगे पिघलेगा, तब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाते हैं, आयनों के कारण आयन बन जाते हैं, धनायन ऋणायन, इसके कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। ये बेटा ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा और ध्यान रखेंगे, आयनिक अभिक्रियाएं ये बहुत ही तीव्र आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं, फास्ट तीव्र यानी फास्ट तीव्र आयनिक अभिक्रियाएं देती हैं, तीव्र गति अभिक्रियाएं देती हैं। इसकी अभिक्रिया की दर कैसा होता है, बहुत उच्च होता है, आयनिक अभिक्रिया होती है यानी पहले आयन में टूटता है तब जाकर के अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे मैं अगर बोलूं यहां पर NaCl की अभिक्रिया, NaNO3 की अभिक्रिया, NaCl की अभिक्रिया, नमक की अभिक्रिया, NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराता हूं तो क्या होता है, ये धन वाला पार्ट जो है इसके ऋण वाले से जुड़ जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, और ये इसका
एजी इसके ऋण वाले से जुड़ जाएगा तो एजीसीएल बन जाता है। यह बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनएसीएल जो टूट जाता है एनए प्लस और सीएल माइनस में, और यह टूट जाता है एजी प्लस और यह एनओ थ्री माइनस में। ये दोनों बहुत ही फास्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस वजह से यह पहले एजीसीएल बन जाएगा फिर यह एनए और एनओ थ्री बनाएगा। तो यह फास्ट रिएक्शन है इसी कारण से। अगला है समवायता। इसमें समवायता नहीं पाई जाती है, समवायता नहीं पाई जाती है। और ये समवायता क्या है बेटा, आगे पढ़ोगे, अभी बता, अभी 11th की स्थिति में नहीं पढ़ाया जा सकता, आगे बताऊंगा मैं आपको। नहीं पाई जाती है, इसमें समवायता नहीं पाई जाती। कुछ कार्य, कुछ गुणों को भी मैंने आपको बता दिया है, इन चीजों को आप याद रखें और समझें। तो जिस तरह से आज रहे हो वैसे सहसंयोजी बंद को समझने के लिए भी रहिएगा। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। होमवर्क, निम्नलिखित में लिखो, प्रश्न लिखो, निम्नलिखित में आयनिक, निम्नलिखित में आयनिक बंध को प्रदर्शित कीजिए। जैसे ये हमने दिखाया ना, ऐसे इस तरह से आपको दिखाना है। पहला एनए और नाइट्रोजन, दूसरा पोटेशियम एवं ऑक्सीजन, तीसरा कैल्शियम और क्लोरीन, चौथा कैल्शियम और ऑक्सीजन, पांचवा कैल्शियम और नाइट्रोजन, छठवां एल्युमिनियम और क्लोरीन, सातवां एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, आठवां एल्युमिनियम और नाइट्रोजन, ऐसे ही आदि। और कुछ आपको एमसीक्यूज कराऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में, आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लिए। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। और हां भाई, ध्यान रखिएगा, टेस्ट जो है, आपके जो टेस्ट हैं उसके मैंने लिंक नीचे दे दिए हैं। रोज जब भी मेरी क्लास खत्म होती है उसके बाद आप मुझे मेरे क्लास के साथ आप टेस्ट जरूर दिलाइएगा, क्योंकि याद रखिए जब तक टेस्ट नहीं दिलाओगे तब तक आप में क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। और अपने आप को परखना जरूरी है, आज जो भी आपने सीखा होगा उन सारी चीजों की को कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए, इन सारी चीजों के लिए नीचे मैंने आपके लिए टेस्ट लिया है और रेगुलर आपके लिए टेस्ट ला रहा हूं मैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास के बाद आपको टेस्ट दिलाना है, ध्यान रखिएगा। मैं एक्चुअली पहले बताना भी भूल गया था, तो अब आइंदा याद रखेंगे। रतन याद दिला दिया करो कि टेस्ट के लिए, और नीचे भी वो टेस्ट का लिंक दे दिया करो ताकि बच्चे, अब मुझे जब बताओगे तो हाँ ये टेस्ट का लिंक है वो, हाँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही ऊपर में दिया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्विज करता हूं उसके बाद आप बताएंगे, लेकिन हाँ एक और टेस्ट है जो आपको देना है जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। लेकिन हाँ अभी मैं आपसे क्विज करा रहा हूं, इस क्विज को देखिएगा और ध्यान रखिएगा। जब क्लास आप करते हैं उसके बाद इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और उनके साथ प्रैक्टिस करिए। क्लास अच्छी लगी बिल्कुल लाइक करें बेटा, लाइक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप हमारी क्लास के साथ जुड़े हैं और हमारी क्लास में से कुछ सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ। जब भी हम हमारी क्लास होती है या आने वाला रहता है तो नोटिफिकेशन मिलती है, उस नोटिफिकेशन के साथ तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाएगा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और हाँ इतना ही कहूँगा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन हाँ टेस्ट जरूर दिलाइए, इतना ही कहूँगा मैं आपको। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।